और वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत करता हूँ। और मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं यार डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर। क्या आप जानना चाहते हैं वो सवाल? जो भोजन आप लेते हैं वो किस किस अंग से होते हुए जाता है? क्या आप जानना चाहते हैं पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? मुझे लगता है कि सारे के माइंड में, सभी जितने भी देख रहे हैं, सबके माइंड में यही चल रहा होगा कि पाचन क्रिया पेट से स्टार्ट हो जाती है, डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन आप गलत है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आपका जो फूड मटेरियल है जिस अंग से होते हुए जाता है, उन अंग का क्या काम है? दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी को गेटवे ऑफ द बॉडी बोला जाता है, जिसके दो पार्ट होते हैं, वेस्टिबल और ओरल कैविटी प्रॉपर। स्मॉलर वेस्टिबल में आपको देखने को मिल जाते हैं लिप्स, चीक्स, टीथ और गम्स। वहीं पे ओरल कैविटी प्रॉपर में देखने को मिल जाते हैं आपको जॉज और पीछे की ओर फेरिंग्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट इसी पोर्शन में देखने को मिल जाते हैं आपको। दोस्तों जब बात आ जाए दांतों की तो ये चीरने, फाड़ने, काटने, पीसने और मिलाने की बात होती है। दोस्तों दो बार जिंदगी में दांत आते हैं। पहली बार टेम्परेरी मिल के नाम से, जो नंबर में 20 होते हैं। दूसरे परमानेंट और एडल्ट टीथ के नाम से होते हैं, जो नंबर में 32 होते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी के साथ इन्हें डायफाडोंट बोला जाता है। हिट्रोडोंट की बात करें तो वो दांत जो चार टाइप के दांत होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। दोस्तों जब बात आ जाए स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की तो यहाँ पे तीन पोर्शन देखने को मिलते हैं, क्राउन, रूट और नेक। क्राउन बोले तो गम्स के ऊपर वाला पार्ट जो होता है क्राउन कहलाता है। वहीं पे रूट पोर्शन जो जबड़ों में धंसा हुआ होता है, ऐसे दांतों को थीकोडोंट के नाम से जाना जाता है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पाया जाने वाला इनेमल सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है पूरी बॉडी का। और भी कई सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे पल्प कैविटी, डेंटाइन, सीमेंटम और पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। दोस्तों अब बात कर रहे हैं टंग की, जो कि एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन कहलाता है, जो कि लोअर सरफेस में फ्रेनलम से अटैच्ड होता है। वहीं पे ऊपर की ओर देखें तो छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, जिन्हें पैपिला के नाम से जाना जाता है। और ये कई सारे हो सकते हैं, जैसे फंजीफॉर्म पैपिला, फिलिफॉर्म पैपिला, फोलिएट पैपिला, सर्कम वैलेट पैपिला। इनमें बहुत सारे टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, जो नंबर में 20,000 से 40,000 तक हो सकते हैं। और यही टेस्ट रिसेप्टर हमको टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ टेस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 5 टाइप के टेस्ट देखने को मिलते हैं, उमानी, सोर, स्वीट, बिटर और सॉल्टी। और ये जीभ के डिफरेंट हिस्सों में देखने को मिल जाते हैं, आपके खट्टापन हो गया, मीठा हो गया, कड़वा हो गया, वहीं पे नमकीनपन हो गया। ये सारे टेस्ट बर्ड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एसोफेगस, जो कि एक थिन मस्कुलर लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, जिसकी लंबाई मात्र 25 सेंटीमीटर होती है। बता दूं कि इसे हाईवे फॉर द फूड एंड ड्रिंक भी बोला जाता है। कमाल की बात यह है कि जब भी फूड यहाँ पे पहुँचता है, इसमें पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसे आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और वॉमिटिंग होते वक्त यही मूवमेंट उल्टा हो जाता है। J-शेप मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक, जो कि अपर साइड एसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है और लोअर साइड डियोडेनम से जुड़ा हुआ होता है। वहीं पे इसके दो पार्ट होते हैं, स्मॉलर पार्ट पाइलोरिक और लार्जर पार्ट कार्डिक। कार्डिक के दो पार्ट होते हैं, बॉडी और फंडिक। अगर मैं बात करूं स्फिंक्टर की तो दो टाइप के स्फिंक्टर देखने को मिलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर और गैस्ट्रोसिफेजल स्फिंक्टर। 6 मीटर के स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, डियोडेनम, जेजनम, इलियम। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वहीं पे 1.5 मीटर की लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम, जिसमें वाटर, मिनरल्स और ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। और ये अपने ब्रॉड डायमीटर के कारण लार्ज इंटेस्टाइन मानी जाती है। सलाइवरी ग्लैंड, जिन्हें लार ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है, और ये पेयर में 3 होती हैं। चीक के नीचे पाए जाने वाले पैरेटिड ग्लैंड, वहीं पे जबड़ों के नीचे पाए जाने वाले सब मैक्सिलरी ग्लैंड और टंग के नीचे पाए जाने वाले सब लिंजुअल ग्लैंड, जिसका काम है सलाइवरी जूस को सिक्रेट करना, जो कि आपके फूड को डाइजेस्ट करने बहुत ही लाभदायक होता है।
स्टमक और डियोडेनम के बीच में पाया जाने वाला पैंक्रियाज, जिसे मेक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है, जिसमें ढेर सारे एंजाइम होते हैं जो आपके फूड को डाइजेस्ट करते हैं। वहीं पर एंडोक्राइन पोर्शन की बात करें तो ये हार्मोन रिलीज करता है, जिसमें इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जैसे हार्मोन होते हैं जो आपके सेलुलर और ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल बनाते हैं। दोस्तों, नाशपाती के आकार के जैसा दिखने वाला ये थिन मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं, जिसका बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है बाइल को सिक्रीट करना, स्टोर करना और कंसंट्रेट करना। साथ ही ये अपने सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट के साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाता है, और यही कॉमन बाइल डक्ट बाइल को डियोडेनम में छोड़ता है, जहाँ पे फैट का डाइजेशन होता है। दोस्तों, जहाँ बात करते हैं पाचन क्रिया की, तो पाचन क्रिया आपके स्टमक से नहीं स्टार्ट होगी, ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। तो ये थे आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन और उनके फंक्शन। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।